जनरल नॉलेज इन्फो में आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एके निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सार इंडिया परिवार के सिलसिले में। जी हाँ, सार इंडिया परिवार के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सारा समूह की कंपनियों के खिलाफ SFIU की जाँच रोकने पर लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अभी जो आदेश दिया है वो उनको ठीक नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SFIU बोलते हैं, कि जांच पर रोक लगाने वाले और सहारा प्रमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने का आदेश रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ये आदेश जारी करने में सही नहीं था। हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर पूरी जांच को रोक दिया। हाईकोर्ट हमारी टिप्पणियों पर ध्यान दिए बिना रिट याचिका पर फैसला करें। अगर हम बात करें कि दो महीने की गर्मी छुट्टियों के भीतर हाईकोर्ट के मामले में तेजी से निपटाया जाएगा, ये हो सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरी जांच, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरी जांच को विफल कर दिया है। इस तरह से आदेश सिर्फ असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए। दरअसल हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख, अगर हम आपको बता दें, इस हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर भी रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान SFIU की ओर से SC तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला, जी हाँ, सही नहीं है, इसमें इससे मामले की जांच रुक गई है, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये था अपडेट, जो लास्ट अपडेट था कि जो कोर्ट की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट ये इस आदेश पर जो है रोक लगाई गई। और अब देखिए आगे जो डेट पे क्या होता है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे।